हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू समृद्धि मिथिला कला। मैं शालिनी आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ आपके लिए दशा अवतार का फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैं सबसे पहला अवतार विष्णु का, जो कि मत्स्य अवतार है, उसे ड्रॉ करने जा रही हूँ। और आप अभी मुझे उसे पेंसिल से उसकी हल्की सी स्केचिंग करते हुए देख पा रहे हैं। पहले मैं पेंसिल से एकदम लाइट सी स्केच कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं इस पे मार्कर से वर्क स्टार्ट करूंगी। जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णित है कि जब जब संसार में पाप की वृद्धि होती है या तो फिर संसार खतरे में होता है, तो उन्हें उसे बचाने भगवान विष्णु जो है वो अवतार लेकर पृथ्वी पर आते हैं। और इन्हीं पौराणिक कथाओं के आधार पर हमें बताया गया है या हम जानते हैं कि विष्णु के 10 अवतार हैं, जिसमें से एक अवतार जो कि अंतिम अवतार है, कली अवतार, वो बाकी है। अथवा उनके 9 अवतार हो चुके हैं, जिसमें उनका प्रथम अवतार जो था वो मत्स्य रूप में था, यानी विष्णु मछली के रूप में अवतरित हुए थे पृथ्वी की रक्षा के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने बॉर्डर के लिए लाइन अप खींच ली है और इसमें भी मैं एक बहुत ही सिंपल सा बॉर्डर बनाऊंगी, जिसमें मैं पहले ये ट्रायंगुलर शेप बना रही हूँ। उसके बाद इसमें मैं एक साइड कचनी करूँगी और एक साइड को मैं कलर फिल करने के लिए ब्लैंक छोड़ दूंगी। जब हम कलर का वर्क करेंगे तो मैं वहाँ फिलिंग का वर्क कंप्लीट कर लूंगी। फ्रेंड्स, मैं सीरियल वाइज विष्णु के 9 के 9 अवतार ड्रॉ करूंगी और लास्ट में कलयुग के अंत के लिए जो उनका कली अवतार होगा, उसकी भी एक व्याख्या हमारे पुराणों में की गई है, जिसके आधार पर कली जो उनका अवतार होगा उसकी भी ड्राइंग बनाई जाती है, उसका भी फिगर ड्रॉ किया जाता है। तो मैं ये पूरा का पूरा एक सीरियल वाइज इन सारे सब्जेक्ट्स को ड्रॉ करने वाली हूँ। तो अगर आप इसे पूरा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आप मुझे देख सकें, सीख सकें। और आपके जो भी प्रश्न हो आप बेहिचक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने विष्णु की 4 भुजाएं बनाई हैं मत्स्य अवतार में, जिसमें उनकी एक भुजा में हमने गदा, एक में कमल, एक में चक्र और एक में शंख धारण किए हुए उन्हें दिखाया। अब लगभग लगभग मत्स्य अवतार का जो पूरा फिगर है वो हमारा क्लियर हो चुका है, जिसमें हम मछली रूप में भगवान विष्णु को अब उनके सारे अस्त्र शस्त्रों के साथ देख पा रहे हैं। और अब जो वर्क हम करेंगे वो होगा इस पूरे फिगर की डिज़ाइनिंग का। और डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद, ब्लैक कलर का वर्क कम्प्लीट होने के बाद, फिर हम इसमें कलर फिलिंग का वर्क स्टार्ट कर देंगे।
फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगी कि मुझे पता है आप में से मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुझसे ड्राइंग सीख रहे हैं और उन्हें मेरा काम भी पसंद आ रहा है। वो लगातार इसे देख के सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। बस एक काम आप भूल जा रहे हैं, जो कि है सब्सक्राइब करना। आप जानते हैं कि आप जितनी ज़्यादा मात्रा में मुझे सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं कोशिश कर पाऊंगी कि और नई चीज़ें आपके साथ बना के शेयर कर सकूं और सीखने में आपकी मदद कर सकूं। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एज मोर एज यू कैन।
फ्रेंड्स, हमेशा की तरह मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको इस पोस्टर का वर्क भी पसंद आया है और आप इससे बनाना ज़रूर सीखेंगे। अपने जो अनुभव हैं वो मेरे साथ बेहिचक शेयर करें। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है तो मैं आपको अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके प्रश्नों का उत्तर दूँ। बस आपको मेरे लिए एक काम करना है कि मुझे सपोर्ट करते रहना है और मेरा साथ ऐसे ही देते रहना है। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियोज एंड सपोर्टिंग मी। Once again, if you are new on my channel, please like, share and subscribe to support my channel. Thanks a lot for watching till last.